हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रितु राठी ब्लॉग्स में। और ये मैंने सब्जी भी रख दी है अभी बननी, और अभी आटा बनाऊंगी क्योंकि पहले ही बना के रख देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है भाई अभी मार्केट कुछ काम से शॉपिंग के लिए, क्योंकि कई दिन हो गए थे तो मैंने कहा चलते हैं। तो अभी करती हूँ अपना फटाफट काम और उसके बाद निकलेंगे। अभी जल्दी है भाई, और अभी देख लो शाम हो रखी है, अभी धूप निकली है। तो वैसे धूप नहीं थी लेकिन अब आई हुई है, तो अब चलते हैं। तो भाई अभी आए हम कॉल्स में, पहले दूध सब्जी फ्रूट लेना था तो अभी लेके आती हूँ ट्रॉली भाग के सबसे पहले। और आज मैं माइक लाना भूल गई भाई, लगाना आवाज़ का देख लेना आप। अभी ले आए ट्रॉली, तो भी अभी ले लिया है दूध, लिया है ब्रेड, ली है, और अभी लेंगे भाई हम सब्जी। और पहले कोल्स में आए हैं, देखो सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जी मिलेंगे भाई, ये तो है। ये देखो और यहाँ पे आलू हैं $3, सबके प्राइस लिख रखे हैं साथ में। और ये प्याज देखो, ये वाले प्याज लेके जाते हैं हम तो, रेड वाले। भाई ले लिया है सामान और अभी चलते हैं, खाने का सामान तो ले लिया है और अब जाएंगे वेस्ट फील्ड में। अभी कॉल्स में आए थे भाई, तो पहले ये ले लिया है, अब वेस्ट फील्ड में जाएंगे। वेदर देखो कैसा हो रखा है, बिल्कुल बादल आए हुए हैं बारिश का। तो अभी आए थे कॉल्स में, ये देखो। तो भई अभी सामान रखने के लिए घर आ गए हैं, तो क्योंकि पास में ही था, तो अब जाएंगे फिर से वेस्ट फील्ड सामान रख के। और अब मैंने अपना माइक भी ले लूँगी, भूल के जा रही थी जो मैं ये रास्ते में। भैया स्पॉटलाइट है वहाँ आए हैं, ये देखो यहाँ पे सारा बर्थडे के लिए सामान है, और बेड सीट सब कुछ है। और ये देखो कितनी प्यारी बटरफ्लाई। तो ये देखिए भाई, पूरा बर्थडे का ही सामान है, थीम पे अगर बच्चों के लिए लेनी हो ना ड्रेस तो उसके हिसाब से सब कुछ है। जैसे अपने इंडिया में मिलता है ना, ये नहीं है कि भाई यहाँ पे आपको सामान नहीं मिलेगा, जो इंडिया में है सब मिलता है। ये देखो, तो ये देखिए भाई सब कुछ है। ये देखिए नेम का कितना अच्छा है, ये देखो सब ये वुडन का है। देखो कितने प्यारे, बच्चे होते तो इतने खुश हो जाते क्योंकि इसमें यहाँ पे है ना सारे बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक ये भी बात है कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है, ये देखो। देखो भाई ऊन स्वेटर अगर बनानी हो तो कितनी अच्छी है। और ये देखो सारी ऊन की वैरायटी अलग अलग, ये देखो ये सारी ऊन है। और ये देखो यहाँ पे भी देखो सारी ऊन है, सारी वैरायटी है ऊन की, मोटी पतली है। तो अच्छा भाई मुझे तो बनानी नहीं आती स्वेटर, देखो आकर ये सारे रिबन है भाई, ये देखो पूरा रिबन रिबन। ये देखो भाई सूट सारे, ये कॉटन के हैं प्रिंटेड सूट, ये देखो प्रिंट, प्लेन भी हैं प्रिंटेड भी हैं, ये देखो तो सारे कॉटन के हैं।
ये देखो भाई सूट सारे सारे कॉटन में है और आप प्राइस देखो $12 मीटर है, $600 देख लो, मतलब ₹600 मीटर अपना। और इतना ये कॉटन भी इतना भी अच्छा नहीं है जितना अपना होता है, तो वही बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, सबके अलग अलग हैं। ये ₹8 मीटर, ये बिल्कुल वैसा कपड़ा है। तो ये हैं प्राइस सबके, ये देखो देखो भाई सारे वैरायटी हैं सूटों की। तो ये देखो सितारों वाले सारे, वेलवेट के सितारे के सारे हैं। देखो भाई सारे ये वेलवेट के हैं सूट। तो यहाँ पे है ना सारे सूट, बेड सीट सब कुछ है। ये देख लो सूट की वैरायटी, नेट का भी है। पर प्राइस भाई सबके बहुत ही ज़्यादा, डबल से भी ट्रिपल है ये मान लो अपने से, तो प्राइस इतने हैं। पर तो भाई अभी देख लिया है और अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी जाएंगे वेस्ट फील्ड में। तो भैया अब आ चुके हैं वेस्ट फील्ड में, रात हो चुकी है और 6 बजे हैं अभी तक और अंधेरा हो गया, देखो कितना। तो अभी आ चुके हैं भाई वेस्ट फील्ड में, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। तो अभी आ चुके हैं भाई अंदर, ये देखो भाई जैकेट, पर अपने यहाँ इतनी ठंड तो होती नहीं है, यहाँ पे भी इतनी ठंड नहीं है जितनी मैंने सोची थी। ये देखो कैसी लग रही है। यहाँ से अभी ली है एक जैकेट, अभी करवाते हैं यहाँ से भाई जैकेट, अभी करवाते हैं अभी ले। तो अभी देखते हैं भाई, और वैसे तो अभी डिस्काउंट दे रखा है इन्होंने सब पे, तो अभी देखते हैं और कपड़े। ये देखो सही लग रहा, तो अभी ये जैकेट देखी है कैसी लग रही है। तो अभी चलते हैं भाई घर, शॉपिंग हो चुकी है, ये देखो हो चुका हमें कम से कम भी 2 घंटे हो चुके हैं अभी। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच, और ये देखो ये मैंने दही ली है और दही का पानी निकालिए कपड़े में डाल के बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने कट किया है भाई टमाटर, धनिया, हरा धनिया और खीरा और थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, और अभी कट करूँगी मैं प्याज। तो भाई इसमें मैंने दही मिक्स कर ली है, टमाटर, प्याज, खीरा, धनिया, तो सब कट करके, और इसमें मसाले डाल लिए हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक ऐड किया है। तो भाई सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, अब इसको मिक्स करेंगे। तो अब ये अपना जो हमने बनाया है मसाला ब्रेड में फिल कर लेंगे। तो भाई ये तवा गर्म कर लिया है और इस पे रखेंगे अपना करी पत्ता 2, और ये जो फील करके रखा है हमने ब्रेड अपना वो रख देंगे इसके ऊपर। तो ये बन जाएगा अभी अपना सैंडविच। सैंडविच तो ये हमने बनाया बटर में, आप घी में भी बना सकते हो अगर बटर नहीं है तो, बहुत ही यम्मी बनता है। तो छोटी छोटी भूख जो होती है ना उसके लिए ये बेस्ट है, हेल्दी। तो
तो एक बन चुका है भाई अपना, अभी दूसरे का मैंने मसाला डाल लिया है और ये ऐसे ही बनाएंगे। तो ये बन चुके हैं भाई अपने यम्मी सैंडविच। तो भाई खा लिए हैं, बहुत ही टेस्टी लगे। किसे बन रहे थे अच्छे? तो भाई खुशी का पापा खा रहे हैं और मैंने खा लिया। और ये बन रही है अपनी चाय और अब लेंगे चाय। तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट में बना दिए हमने। बहुत ही जी रेसिपी है, तो आप अभी ज़रूर ट्राई करना सैंडविच। और अभी पीते हैं अपनी गरम गरम चाय। तो भाई अब शाम को आज मन कर गया हलवा बनाने का, तो अभी बना रही हूँ हलवा। यहाँ पे रख दिए हैं छोले, और छोले आलू छोले बनाएंगे। और पहले मैं कि बना लेती हूँ हलवा, तो अभी बना रही हूँ सूजी का आटे का हलवा। तो भाई यहाँ बन रहा है अपना हलवा, ये देखो। गरम गरम खा लो, अभी बनानी है, थोड़ी देर में पक जाएगा। तो भाई ये देखिए अपना हलवा बन के तैयार है। और अब बनाते हैं, हम मसाला तैयार करती हूँ सब्जी के लिए।